नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यानु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल से स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने मार्केट एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करूँगा। मैंने डेली देता हूँ तो डेली थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी से वीकली दूँगा। उसमें डेली, मंथली और वीकली तीनों रहेगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए और भी बेनिफिशियल रहेगा, तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाता हूँ डेली बेसिस पे, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइव मार्केट दिखाने का कोशिश करता हूँ डेली बेसिस, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ भी अपडेट करता हूँ, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजीज टेक्निक्स ऑलरेडी है मेरा यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप लोग को देखने से देख सकता है, उसमें आप लोग को और बेनिफिशियल रहेगा। और बीच बीच में मैंने नया कुछ, जब भी कुछ नया मेरा आइडिया आता है और कुछ नया कुछ नॉलेज आता है तो मैंने नोट करता हूँ रहता हूँ। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो इसमें आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजीज ऑलरेडी है, बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजीज ऑलरेडी है, वो आप लोग देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। और आप लोग जो ढूंढ रहे हैं, जो नहीं दिया हुआ है सब वीडियो का, बहुत सारा वीडियोस है जो नहीं दिया है, आप लोग यूट्यूब चैनल पे आप लोग को जो ढूंढ रहा है सर्च कर सकता है यूट्यूब चैनल पे, इस पर आके उसमें आप लोग को मिल जा सकता है। और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर देखिए, उसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल भी दिया हुआ है, बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा। और एंजल बुकिंग स्टार्टेड एलिस भी आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक दिया जाएगा। आप लोग घर बैठे स्टॉक मार्केट में से कमाना चाहता है तो उस बेस्ट ब्रोकर है, तो उसमें से आप लोग ज्वाइन हो सकता है और उसमें आप लोग बहुत ही बेनिफिट होगा। और आप लोग मेरी तरफ से भी कुछ आप लोग को बेनिफिट दिया जाएगा मेरे लिंक से ज्वाइन होंगे तो। तो देखिए, मैंने डेली एनालिसिस तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इधर देखिए इतना ये सपोर्ट तक, इधर जो ये जो लास्ट प्राइस एक्शन था इसमें ये सपोर्ट तक, ये जो कैंडल है इस सपोर्ट तक इसका आ चुका था। तो इधर से ये कुछ ये जो कैंडल दिख रहा है, ये वाला जो कैंडल इसका ये तक इसका इतना तक ये रिकवरी किया है, इसका थोड़ा सा ऊपर तक ये रिकवरी किया है। हम लोग लगातार पाँच दिन से, चार पाँच दिन से हम लोग नीचे का ही दिखा रहा है, रैली दिखा था, नीचे का मूवमेंट दिखा था, लास्ट दिन में थोड़ा सा ये अप ट्रेंड दिखा है, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी निफ्टी में दिखा है, लेकिन ये अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है। इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट का जोन पे है, ठीक है, ये सपोर्ट क्लियरली ये सपोर्ट का जोन पे है। इधर में इसका 10,880 में इसका 10,882 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका था इसका, इसका शायद ये फिर से ये फॉलो करेगा अप साइड में, इसका ये जो ट्रेंड लाइन गया है और ये जो डॉटेड लाइन आप लोग दिख रहा है उसको भी ये अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, तो लगता नहीं है कि इधर से इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैंने पहले डेली बेसिस का मैंने रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैंने फाइल से भी, मेरा फाइल से भी आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा दूंगा। और भी मैंने प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करूँगा, बहुत सारा चीज़ एनालिसिस करूँगा, तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, इसमें जो नीचे का जो इसका सपोर्ट है, तो ये इसके अंदर ये 11,127 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 11,027 का लेवल, ठीक है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हुआ है इसलिए मैंने कोशिश करता हूँ थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। हाँ, 11,014 का लेवल, ठीक है, 11,014 का लेवल, उसके बाद 11,014 का नीचे ये का लेवल का नीचे इसका जो है 10,956 का लेवल, उसके बाद 10,950 ये मैंने डेली चार्ट में दिखा था, उसके बाद 10,909, ठीक है, एक्चुअली 11,014 का नीचे ही 10,909 तक आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और इसके बाद मैंने तब भी ब्रेकअप करके दिखाता हूँ, इसके बाद 10,870, इसके बाद 10,857, मतलब 10,909 से 10,857 तक आप लोग पकड़ सकता है, ठीक है।
इसके बाद 10733, ठीक है, सॉरी 10753, 10753, इसके बाद 10701, ठीक है, 10701, 10701, इसके बाद 10598, दस हज़ार सात सौ अठानब्बे, उसके बाद 10495, इसके बाद 10393, ठीक है, 10393, ये सब लेवल आप लोग को नीचे देख सकता है। नीचे आएगा तो सपोर्ट, एक एक करके सपोर्ट बनेगा तो उधर से फिर से रिटेस्ट हो सकता है। अच्छा, इसका ऊपर का जो लेवल है 11014 का, तो ऊपर आप लोग को दिखाया है, इसका इमीडिएट जो है 11095 का एक लेवल होगा, उसके बाद 11119 का लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 11175, उसके बाद 11225 का लेवल के ऊपर, 11225 का लेवल के ऊपर ये रेजिस्टेंस बनेगा, 11293, ये सब कुछ मिलेगा, 11300 322, इसके बाद 11390, इसके बाद 11409, 11438, 10584 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसके बाद 11653 का लेवल, ठीक है। अच्छा, मैंने वीकली मेनली वीकली जो दिखाऊंगा, मैंने डिसाइड किया कि वीकली दिखाऊंगा, तो उसके अंदर डेली और मंथली भी दिखा दूंगा, तो वीक में एक आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो ही आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हर रोज करना थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि वीकली और मंथली, वीकली का अंदर डेली और मंथली का भी दे दूंगा, तो आप लोगों को बहुत ही सुविधा हो जाएगा इसमें। तो देखिए, इसमें अगला वीक का नीचे एक बड़ा, बहुत ही बड़ा कैंडल बना है ये निफ्टी, ठीक है, इसका वीकली जो ये रेजिस्टेंस लाइन है उसका भी ब्रेक हो चुका है, इसका जो सपोर्ट लाइन है इसका भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है, 11079 का नीचे भी इसका दिया है टेंट, तो इसका नीचे जो आएगा ये पहले 11014 का आसपास, ठीक है, 11014 का नीचे ये आ सकता है, 11974, इसके बाद 10870 का लेवल, 10870 का लेवल, इसके बाद 10662, ठीक है, 10662, 10561, 10561, 10483, 10400, 10400, 10379, 10379, 10328, 10238, 10164, ठीक है, 9967, ये सब लेवल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वीकली, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने अभी आप साइड में दिखा नहीं है, आप साइड में दिखा देता हूँ, 11079 के ऊपर एक लेवल है, 11079 के ऊपर 11191, 11185, 11291, ठीक है, ये सब लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, तो ये सब लेवल्स आप लोग नोट कर सकते हैं। मैंने जो बाइसिंग लेवल्स है, मैंने बाइस एक्सेल शीट से जो दिखाऊंगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो 11397, 11451, 11558, ये सब 11161, ये सब लेवल्स, सॉरी 11612, 11620, इसके ऊपर 11828, ये सब लेवल अप साइड में दिखेगा, ठीक है, ट्रेंड क्लियरली डाउन ट्रेंड है। अच्छा, मंथली का देखता हूँ, मंथली का एनालिसिस कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा मंथली एक मतलब ऑलमोस्ट बुलिश, इसको बुलिश एंगल्फिंग नहीं किया जा बोला कि हम जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट बुलिश, सॉरी बेयरिश एंगल्फिंग नहीं बोल सकता, क्योंकि पूरा कैंडल को नहीं किया है, बॉडी को बोला, लेकिन इसका बॉडी को ऑलमोस्ट एंगल्फ किया है, ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न एक बना है, लगातार 3 महीना से ये ऊपर अपवर्ड मूवमेंट दिखा था मार्च महीना के बाद, ठीक है, ये जो कैंडल है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, लेकिन ये सितंबर महीना में ये बहुत ही एक बड़ा नीचे का कैंडल दिखा है, ठीक है,
इसमें देखिए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर बनता है मंथली का, ये 11020 में इसका एक सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 10968, 10863, 10760, 10656, 10656 के नीचे 10506, 10468, 10451, 10700, हाँ 10247, 10247, 9863, 10863, ठीक है। ये सब लेवल सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इसका जो मंथली ट्रेंड भी अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इधर से कुछ नीचे ये ऊपर से देखिए गया था, लेकिन ये नीचे ये अभी ये नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो इसका भी अभी ट्रेंड लाइन का नीचे का ब्रेक हो चुका है, ऐसा किया नहीं सकता, लेकिन ये जो रिग्रेशन चैनल है इसका लाइन तो मतलब क्लियरली ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अभी ये जो डॉटेड लाइन है उसका ब्रेक होना बाकी है, तो ये भी ब्रेक हो चुका है, मतलब 10852 के नीचे ये बहुत ही नीचे जा सकता है, मतलब 9000 का लेवल पे आ सकता है, 9800, 9500 का लेवल पे ये आ सकता है। अच्छा, तो ये गया है निफ्टी का, गया है इसके बाद बैंक निफ्टी का देखता हूँ। इसके बाद मैंने चार्ट एनालिसिस करो, सॉरी प्रोबेबिलिटी एंड सॉरी डेली मंथली और बेसिस पे मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा। तो वो भी आप लोग जरूर देखिए, उसमें से बहुत ही क्लियर नज़र आएगा। तो इसमें देखिए ये भी एक डेली मंथली चार्ट में एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, ठीक है। मैंने पहले डेली से शुरू करता हूँ, डेली ऑलरेडी एक दिखा चुका हूँ, लेकिन आगे से मैंने डेली नहीं दे पाऊँगा, तो वीकली दे दूँगा, तो इसीलिए आप लोग को और भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप लोग को डेली वीकली या मंथली का जब आ जाएगा सामने, तो डेली बेसिस पे जब वीकली का कुछ ब्रेकआउट होगा तो आप लोग को इसमें कॉन्फिडेंटली आप लोग ट्रेड कर सकता है या मार्केट को मॉनिटर कर सकता है। तो इधर देखिए ये लास्ट दिन ये भी बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा गेन किया है, बहुत ही गेन किया है, ठीक है। तो इसका ऊपर जो इसका जो लेवल है 21032 तक, ठीक है, 21032 का ऊपर रेजिस्टेंस है, 21032 का रेजिस्टेंस के ऊपर 21156, इसके बाद 21324 का लेवल के ऊपर 21647, 21737, 21852, 21930, 22028, 22028, 22028, इसके ऊपर 22080 या 22080 या 22100, ठीक है। उसके बाद 22100, इसके बाद 22218, 22325, 22431, 22275, 22633, 22633, 22683, ठीक है, 22683, इसके बाद 22832, 22832, इसके बाद ये ट्रेंड लाइन का आसपास आ जाएगा 22133, ये सब लेवल अप साइड में देखने आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, डाउन साइड में जो लेवल्स है सपोर्ट का वो दिखाता हूँ। डाउन साइड में पहले तो ये 20926 में एक रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा, इसके बाद 20888 का लेवल बहुत ही 880 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसके बाद 20743 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, 20743 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उसके बाद 20600 का लेवल, इसके बाद 20528 का लेवल,
20385 का लेवल, 20385 का लेवल 20295, उसके बाद 20171, 20171, 20030, 20030, 19888 ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिए। नीचे का लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 20888, इसके बाद 20705, 20705, 19607, 20607। ठीक है, ये सब लेवल नीचे का देखना पड़ेगा, देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मैंने वीकली चार्ट दिखाता हूँ, वीकली में क्या दिखता है। वीकली चार्ट दिखाऊंगा इसका, नीचे देखिए जो जिधर क्लोजिंग दिया है 20859 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, 20859 का लेवल, उसके बाद 20652, 20652 उसका नीचे क्या लेवल है देखते हैं, 20167, 20167, इसके बाद 20006, इसके बाद 19888 का लेवल, ये 872 का लेवल, ठीक है, या इसके बाद 20595, इसके बाद जो लेवल दिखता है इधर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसका आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। 20507 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो नीचे और भी जाने का अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। मार्केट में जो जितना वोलेटिलिटी है तो एबनॉर्मल नॉर्मल मूवमेंट में ऐसा ही आ सकता है। अच्छा, 20000 इसके ऊपर अपसाइड में 21149, उसके बाद 21441, ठीक है, 21441, 21000 कभी कभी कुछ न्यूज़ बेस्ड पे या कुछ मार्केट का न्यूज़ पे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मार्केट में उसके बाद 21441 का लेवल, इसके बाद 21441, इसके बाद 21441 के बाद 21598, इसके बाद 21626, 21735, 21735, 21882, 21956, 22105, 22179, 22328, 22328, इसके ऊपर अभी देखते हैं थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा खींच के, इसके बाद 22628, 22628, 22792, 22930, ठीक है, 22930, 23363 तक आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मंथली का क्या पोजीशन है वो एक बार देख लेते हैं। मंथली का इसमें थोड़ा सा नीचे आ गया है,
वीकली चार्ट में देखते हैं। थोड़ा सा नेट में स्लो आ रहा है तो इसीलिए कहना मैंने थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैग्निफ्टी का नीचे का जो सपोर्ट है 20,859 वीकली चार्ट में, ठीक है 20,859। इसके बाद मेरा थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम है इसीलिए चार्ट खींच के ऊपर देना का दिखाना मुश्किल होता है। 20,652 ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा इसके बाद 20,652 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद 20,221, इसके बाद 20,221 का नीचे 20,161, 20,011, उसके बाद 19,884 ठीक है, वही 888 का लेवल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो लेवल है 20,496 का लेवल ठीक है, 20,496। इसके बाद 20,308, 19,040, इसके बाद 19,784, ये सब लेवल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा नीचे। अच्छा हाफ साइड में 21,149 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद 441 फिर से ये नीचे चला गया, ठीक है मैंने लोड करता हूँ। 21,000 इसके बाद 21,441, इसके ऊपर 21,441, इसके बाद 21,441 के ऊपर वीकली चार्ट में दिखा रहा है। इसके बाद 21,583, 21,583, इसके बाद 21,624, 21,735। मैंने ऊपर वाला लेवल ना एक्चुअली ये मैंने डेली चार्ट में दिखाया था। उसके बाद 21,882, इसके बाद 21,956, इसके बाद 22,105, 22,105 के 22,179, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लोग दोस्तों नोट कर रख सकते हैं। 22,328, 22,478, 22,478, 22,597, 22,628 ठीक है, 22,628, ये सब लेवल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। उसके ऊपर ऊपर 22,797 और ऊपर 22,930, 22,930 और इसके ऊपर जो जाएगा 23,334 तक ये जा सकता है ठीक है। इसके बाद मैंने देखता हूँ मंथली का लेवल, सपोर्ट लेवल दिखा देता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स ठीक है। तो इसलिए मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि वो और भी बेनिफिशियल रहेगा। वीकली मंथली जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल्स दिखा दूंगा तो ये आप लोगों को भी लिए भी और भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इधर देखिए, इधर मंथली का जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुका है बैंक निफ्टी का। ये एक बियरिश चार्ट में देखिए, मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट एक बियरिश एनगल्फिंग, ऑलमोस्ट एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है और इसका सब ट्रेंड लाइन भी ये ब्रेक हो चुका है। इसका इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रिग्रेशन चैनल्स ये सब ब्रेक हो चुका है तो ये नीचे जाने का संभावना ज़्यादा रहता है। फ्लक्चुएशन तो जरूर होगा लेकिन आप लोग इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ट्रेंड से नहीं चलता है, मार्केट चलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस से ठीक है। तो इधर देखिए, पहले 21,065 में इसका ये जो क्लोजिंग दिया है
इसका नीचे जो का लेवल है 20,766 का, ठीक है, 20,763 का लेवल पे का नीचे 20,000 कितना का लेवल है जी सर, 720 ये 20,579 का लेवल है, ठीक है। इसके बाद जो लेवल इसका दिखेगा 19,976, इसके बाद 19,310, ठीक है, 18,524, 18,524, इसका नीचे और भी लेवल्स होगा, देखना पड़ेगा, फिलहाल यही है, ठीक है, 18,524। और आप साइड में मैंने देखता हूँ ज़्यादा टांग खींच के बहुत टाइम भी जाता है। अच्छा, इसका ऊपर का जो लेवल है 21,065 का लेवल, 21,200 का लेवल, ठीक है, 21,348, 21,498, 21,498, 21,566, 21,713, 21,787, 21,787, 21,952, ठीक है, 22,832, 22,232, ठीक है। इसके बाद 22,232, 22,531, 22,832, इसके बाद 24,423, ये सब लेवल आप लोग को अप साइड में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ऑप्शन चेन तो मैंने पहले भी एनालिसिस किया हूँ, लेकिन मैंने हर वीक में मंथली एनालिसिस करूँगा और पीसीआर रेशियो भी एनालिसिस करूँगा, उसके बाद बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाऊँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, जो लोग अंत तक देखेंगे तो आप लोग को फ़ायदा होगा, बहुत विस्तार में आप लोग को मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पर मार्केट का मूवमेंट हो सकता है, कहाँ पर जा सकता है। तो डेली चार्ट में तो मैंने दिखाया पीसीआर रेशियो कुछ मैंने जो दिखाया था पीसीआर रेशियो कुछ 96 जैसा है, 96 के आसपास है, 11,200 में रेजिस्टेंस बना है, 11,000 में सपोर्ट बना है, और इधर से थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लेकिन 11,300 से 350 से ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और इधर कॉल साइड का आईवी कम है और पुट साइड का आईवी ज़्यादा है, पीसीआर रेशियो बड़ा है, फॉल्स भी बड़ा है, थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा सकता है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट ज़्यादा, ये करेक्शन ही है, डाउन ट्रेंड का करेक्शन है, तो इसमें आप लोग फिर से ये नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। तो 1 अक्टूबर का तो दिखा है, इसके बाद मैंने देखता हूँ 8 अक्टूबर का सीनारियो दिखा रहा है। एक्चुअली मंथली जो सीनारियो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 8 अक्टूबर में इसका देखिए पीसीआर रेशियो 1 के नीचे है, इधर 500 तक इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन इधर जो 11,000 इधर भी 11,200 में रेजिस्टेंस बनता है, शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप कॉल साइड में, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप, इधर 11,000 में रेजिस्टेंस बना है 8 अक्टूबर। इसके बाद 15 अक्टूबर को देख लेते हैं, इसका जो एक एवरेज आप लोग को निकलेगा तो आप लोग को अच्छा पीसीआर रेशियो देखिए 1 के नीचे ही आएगा, ये 1 के नीचे है, और इधर 11,200 में रेजिस्टेंस दिख रहा है और 11,000 में इसका सपोर्ट दिख रहा है, इधर भी लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, और इसके बाद 22 अक्टूबर में 22 अक्टूबर में क्या हो रहा है इसका, वो भी 11,200 का लेवल पे, इधर भी लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, और 29 अक्टूबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मंथली का जो है, इधर जो पीसीआर रेशियो बनेगा, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ये थोड़ा सा एक के ऊपर है, ठीक है, और इधर 11,200 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, और इधर 11,000 में शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, इसका आईवी भी कम है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपसाइड में जाने का प्रोबेबिलिटी ये दिख रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी का तो मैंने पहले जो करंट है उसका दिखाता हूँ,
जो ये 21,500 में इसका रेजिस्टेंस है, लॉन्ग बिल्डअप है। इधर आई भी थोड़ा कॉल साइड में आई भी कम है, पीछे रेशियो बड़ा है और बुट साइड में आई भी बड़ा है। थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी दिखा है, लेकिन ये आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस में देख के काम करना पड़ेगा। और 29 अक्टूबर को देख लेते हैं, बीच में देखने से ज़्यादा फायदा नहीं है। मान ली का 21,500 का लेवल पे देख, ये भी रेजिस्टेंस बना है 21,000 में, इसका 20,500 में सपोर्ट बना है। इधर लॉन्ग बिल्डअप बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप बना है, ठीक है। मैंने पीसीआर रेशियो एनालिसिस करता हूँ मंथली, मतलब वीकली और मंथली का, तो उससे भी आप लोग को पता चलेगा। देखिए 1 अक्टूबर का जो है ये निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक ने निफ्टी एक के ऊपर है, निफ्टी एक के ऊपर है और बैंक निफ्टी 0.66 है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट अक्टूबर का दिख रहा है, 8 अक्टूबर का जो दिख रहा है, 8 अक्टूबर ये देखिए जीरो का नीचे है, ठीक है। 8 अक्टूबर का जीरो का, 15 अक्टूबर का ये भी जीरो का नीचे दिख रहा है, और 22 अक्टूबर ए भी जीरो का नीचे, और जो 29 अक्टूबर का है ये थोड़ा सा अप साइड में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा नीचे का ट्रेंड दिखा रहा है। अच्छा मैंने इसके बाद इंडिया विक्स में दिखाऊंगा, इंडिया विक्स तो मैंने पहले दिखा चुका हूँ, पी पी रेशियो दिखाऊंगा ये कैसे अप साइड में ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो बहुत ही अपसाइड में ट्रेड कर रहा है 30 के ऊपर, तो उसका देखना भी जरूरी है। तो इधर पी रेशियो देखिए 30 के ऊपर गया था, इस से अगस्त महीना से ये 30 के ऊपर गया था, बहुत ही हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 25 सितंबर भी ऊपर गया है, लेकिन ये इसका नीचे, इसीलिए निफ्टी का करेक्शन ऑलमोस्ट इनेविटेबल है। तो इतना हाई लेवल पे पी रेशियो हो नहीं सकता, तो इसको नीचे आना ऑलमोस्ट इनेविटेबल है। और वीकली बेसिस पे जो प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, निफ्टी का नीचे दिख रहा है और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। अच्छा इसके बाद जो देखता है गांधी 63 एनालिसिस, मैंने ये सबसे वाइटल है, मैंने लॉन्ग टर्म का पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक करके मैंने डेली वीकली और मंथली रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, तो आप लोग जरूर नोट कर लेना। तो आप लोग को देखिए 11,342 का लेवल निफ्टी का इम्पोर्टेंट है अप साइड में, इसके बाद 11,187 का लेवल, इसके 11,131 का लेवल, 10,876, ये सब लेवल आप लोग नोट कर सकता है, 723 आप लोग खुद देख सकता है, नोट कर सकता है। और अप साइड में इसका जाएगा तो ये लेवल पर जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये सब लेवल्स दिखेगा आप लोग को, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म का है। और बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी का 22,829 का रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, और 20,950 का लेवल पे नीचे, ये सब लेवल ऑलरेडी दिखा चुका है, इतना तक ये दिखा चुका है, इसका नीचे ये सब लेवल्स इसका आ सकता है। अच्छा इसके बाद मैंने डेली का दिखाऊंगा, डेली मंथली वीकली का दिखाऊंगा। डेली का देखिए मैंने जब ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो इसका ये सब लेवल आ सकता है डेली के बेसिस पे, 10,933 का नीचे, ठीक है, 795, 706, ये सब लेवल्स डेली नीचे का लेवल्स है ये सब। और अप साइड में जाएगा तो ये सब लेवल आप लोगों को देख सकता है, ठीक है। ये सब लेवल्स आप लोग को अपसाइड में दिख सकता है बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी का ऊपर जो ऊपर का लेवल, सॉरी ये नीचे का लेवल्स है, ठीक है। इस साइड में ये नीचे नीचे का लेवल्स है, ये नीचे का लेवल्स आप लोग को दिख सकता है, नोट कर सकता है। और अपसाइड में इसका लेवल्स आप लोग, ये सब लेवल्स आप लोग देख सकता है। तो ये सब लेवल्स के ऊपर जाएगा तो आप साइड में जा सकते, ये सब लेवल्स आप साइड में देखना देख सकता है। अच्छा इसका वीकली भी मैंने दिखाऊंगा, वीकली बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का ये आप साइड का है, ये आप सॉरी ये डाउन साइड का है, ठीक है। ये डाउन साइड में ये ऐसा ये सब लेवल्स आएगा, डाउन साइड का लेवल और
अप साइड में ये ऐसे इसका ये सब लेवल्स मतलब रजिस्ट ये सब जगह पे इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, ये सब लेवल तोड़ेगा तो ये नेक्स्ट लेवल आने का प्रॉबिलिटी है, ठीक है। अच्छा बैंक निफ्टी का अभी ये डाउन डाउन साइड, ये डाउन साइड का लेवल्स है, डाउन साइड का लेवल्स है और ये अप साइड का लेवल्स है, ठीक है। अच्छा और इसका इसके बाद मंथली का दिखाता हूँ, मंथली का दिखाता हूँ, ये हाई अप साइड में इससे सर ये डाउन साइड का लेवल्स है निफ्टी का, निफ्टी का ये डाउन साइड का लेवल है और ये अप साइड का लेवल है, ये अप साइड का लेवल है और बैंक निफ्टी का ये डाउन साइड का लेवल है, बैंक निफ्टी का ये सब डाउन डाउन साइड का लेवल्स दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये डाउन साइड का लेवल्स है और अप साइड में ये सब लेवल्स आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग को भी फीडबैक देना। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।